हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आहुजा के एक डीजे सेटअप के बारे में। इस सेटअप के बारे में आपको आहुजा के टॉप और बेस और आहुजा के एम्पलीफायर्स मिलेंगे। और दोस्तों, इस सेटअप के बारे में आपको डिटेल्स बताऊँगा, जैसे कि कौन से बेस के लिए कौन सा एम्पलीफायर और कौन से टॉप के लिए कौन सा एम्पलीफायर, सभी आहुजा कंपनी के तरफ से होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आहुजा के ब्रांड को जो लोग पसंद करते हैं और बहुत सालों से जो आहुजा को यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि टॉप, बेस, एम्पलीफायर, जो भी, जैसे कि आप जानते हैं आहुजा के टॉप जो होते हैं बहुत ही अच्छा होते हैं, उसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और आपको लाइव साउंड में बहुत हेल्प करता है टॉप, आहुजा के टॉप्स। हालांकि बेस उतने अच्छा नहीं होते हैं, लेकिन टॉप बहुत ही अच्छे होते हैं। इस डीजे सेटअप में आपको आहुजा के टॉप, बेस और एम्पलीफायर्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहां पर बेस जो है दो मिलेंगे, जो आप दो ले सकते हैं, जिसका मॉडल नंबर है आहुजा SWX2100। तो दोस्तों, ये 2000 वाट का बेस है, ये आपको मिलेंगे यहाँ पर। और दोस्तों, ये आपको इसका जो इम्पीडेंस है, यानी ये 4 ohms में है और इसमें 2 18 inch का स्पीकर इनसाइड और आउटसाइड वर्सकल देके ये बेस है आपको। और इसका प्राइस जो आपको बात करें तो दोस्तों, ये लगभग आपको 45,000 से लेके 48,000 के अंदर ये आपको पर पीस मिल जाएगा मार्केट में। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आहुजा के टॉप्स के बारे में। तो जो टॉप है ये आपको 4 मिलेगा, जिसका मॉडल नंबर है आहुजा SPX810। यानी दोस्तों, ये 800 वाट का टॉप है, इसमें इनपुट पावर आप 700 वाट तक दे सकते हैं। ये भी पर टॉप आपको एक पीस 4 ओम्स पे मिलेगा, और यहाँ पर आपको 2 15 इंच का स्पीकर्स और एक HF यहाँ पर लगा हुआ आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये आपको 4 टॉप मिल रहा है यहाँ पर। और इसका प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये 28,000 से लेके 30,000 के अंदर ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एम्पलीफायर्स के बारे में। तो बेस के लिए जो एम्पलीफायर आपको लेना होगा, वो आपको 2000 वाट का दो बेस 4 ओम्स पे चलाना है, तो ऐसा एम्पलीफायर आपको लेना है जो कि 4 ओम्स पे 2000 वाट तक का आउटपुट दे सके। और यहाँ पर आहुजा के बारे में बात करें तो आहुजा के एम्पलीफायर्स के बारे में बात करें तो आपको 4 ओम्स पे 2000 वाट का आउटपुट देता है LXA6000। आहुजा का LXA6000 ये डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर है, ये आपके लिए परफेक्ट मैचिंग हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये भी आपको 45,000 से लेके 47,000 के अंदर ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। और जो आप जो टॉप चला रहे हैं, उसके लिए जो आपको एम्पलीफायर लेना होगा, तो आपको यहाँ पर 2 ओम्स पे चलाना होगा, पर चैनल आपको 2 टॉप देना होगा, तो 2 टॉप के लिए आपका 4 ओम्स यानी हो जाएगा 2 ओम्स। तो आपको 2 ओम्स पे 800 वाट का 2 टॉप चला रहे हैं, तो 2 ओम्स पे आपको 1600 वाट यानी 1600 वाट जो आउटपुट देता होगा, वही एम्पलीफायर आपको यूज करना है। तो यहाँ पर जो एम्पलीफायर आपको मिलेगा आहुजा LXA3200, तो ये एम्पलीफायर 2 ओम्स पे 1600 वाट आउटपुट देता है, तो ये भी आपके टॉप के लिए जो है ये आपके लिए परफेक्ट मैचिंग हो जाता है। तो आप इसको टॉप के लिए रखिए LXA3200। और इसका प्राइस दोस्तों आपको मार्केट में 35,000 से लेके 37,000 के अंदर ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस सेटअप के बारे में अगर एक टोटल हिसाब करें तो लगभग आपको ये आपको 2,80,000 के अंदर मिल जाएगा, जो कि इस सेटअप को देखें तो काफ़ी ज़्यादा रेट आ जा रहा है। अगर आप आहुजा के मतलब पसंद ब्रांड है आहुजा क्या और आप आहुजा ही लेना चाहते हैं तो इस सेटअप को ले सकते हैं। अदरवाइज आपको 2,50,000 के अंदर किसी दूसरे ब्रांड के सेम रेंज में आपको ये 2,50,000 के अंदर आपको सेम वाटेज का सेटअप मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अगर आहुजा यूज करना चाहते हैं और आहुजा ही लगाना चाहते हैं तो आप इस सेटअप को ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो हमारे चैनल पे नए हैं, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, कुछ डाउट और सजेशन है तो ज़रूर आप हमें कमेंट्स में बताइए।